लोकसभा के कैंडिडेट पालाराम सैनी जी का और अम्बाड़ा लोकसभा के कैंडिडेट श्रीमती डॉक्टर किरण पुनिया जी का नॉमिनेशन पार्टी बरवारी और वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सुबह रमेश खटक जो हमारे सिरसा लोकसभा के कैंडिडेट हैं उनका नॉमिनेशन भरवाया है और बड़े अच्छे लोगों के समर्थन के साथ सामाजिक परिस्थितियों को समझते हुए आज कुरुक्षेत्र ने ये मन बनाया है कि तीन बड़े जो बाहर से आए चेहरे हैं उनके आगे अपना खुद का बेटा पालाराम सैनी को कुरुक्षेत्र की जनता ऐतिहासिक वोटों से जिताएगी। देखिए अब तो चुनाव शुरू हुआ है, 6 तारीख तक नॉमिनेशन है और 6 के बाद ही समीकरण प्रदेश में बनेंगे, मगर जिस तरह के हालात दिख रहे हैं एक चीज़ साफ है कि नेशनल पार्टीज़ को छोड़कर लोग हरियाणा की आवाज़ को इस बार हरियाणा में चुनेंगे, हरियाणा की आवाज़ को पार्लियामेंट में जगह देने का काम करेंगे। देखिए हमने विधानसभा के अंदर जिस दिन ये मांग आई थी उसी दिन रिकमेंडेशन करके भेज दी थी और मुझे उम्मीद है कि सेंट्रल एजेंसी जो बचे हुए इन्वॉल्व लोग हैं उनको भी जस्ट मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि जो नॉमिनेशन की आप बात कर रहे हो उस कैंडिडेट को तो मुख्यमंत्री का नाम भी याद नहीं रहता और एक बार नहीं 1970 के दशक के हमारे एमपी का नाम वो अब याद करा देते हैं कि मनोहर लाल सैनी आगे, ये साफ दिखता है कि आज भी उनका मन कांग्रेस में है। बीजेपी की तो टिकट उन पर थोपी गई है और आने वाले दिनों में देखना है जनता दोनों बड़ी पार्टी दोनों लोगों को और ख़ास तौर पर तीसरा आपका उम्मीदवार जो बारी बारी यहाँ मेरे की बात करता है तीनों को हरा के अपने बेटे अपने भाई पालाराम सैनी को जिताएगी। आएंगे साथी, मैं तो कह रहा हूँ जाने आने का टाइम है, मगर कई लोगों को भ्रमित किया गया है, जो हमारे अपने हैं उनको हम जरूर प्रयास करके वापस लाएंगे। सर विरोध का कहाँ तक आप उचित मानते हैं? जनता जनता के पास सभी अधिकार हैं, जनता विरोध करती है वोट से भी, जनता वोट विरोध करती है अपनी आवाज़ से भी, धरनों से भी, प्रदर्शनों से भी, मगर हमारे अपने हैं। मैं तो बोलता हूँ उनसे चर्चा रखेंगे और अच्छी चर्चा रखेंगे तो ज़रूर उनके मन में कोई दुष्प्रचार हुआ है, कोई ऐसी भावना डाली गई है, वो भी दूर होगी और वो और बढ़ चढ़ कर हमारा साथ देंगे। कर लीजिए किस चीज़ की जांच, कोई ऐसी इंक्वायरी मेरे समय पे हमने छोड़ी नहीं है जिसको पूरा इंक्वायर ना किया हो, और अगर किसी के मन में है तो और करवा ले। आज हमने नॉमिनेशन भरा है, नॉमिनेशन भरवाने के लिए हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम माननीय श्री जीतन ज्वाला जी आए हैं और हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और दोनों के दोनों हमारे जो कुरुक्षेत्रा जिला अध्यक्ष और कैथल के जिला अध्यक्ष दोनों भाई मेरे साथ थे और खूब जनता थी, जनता ने आशीर्वाद दिया है कि तन से मन से धन से हम पालाराम जी आपके साथ हैं। हर कार्यकर्ता मेरी पार्टी का आज मौके पे पहुंचा है और उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया है। फाइट तो जनता बताए किससे है, जनता के हाथ में फाइट बताना, तो जनता किससे मेरी फाइट कराएगी वो जनता के ऊपर डिपेंड है, लेकिन ये हमें पूरा विश्वास है कि ये जो सीट है कुरुक्षेत्र की 101% हम जीतेंगे। क्योंकि इस सीट के ऊपर जिस समाज से मैं आता हूँ ज़्यादातर उसी समाज के ही सांसद बने हैं और सांसद भी ज़्यादा जिस पार्टी ने मुझे टिकट दी है उस पार्टी ने ही पहले टिकट देके सांसद ज़्यादा बनाए हैं हमारे समाज के। सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन।